हिडाम के कप्तान अपना जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण धनिया कोट और हिडाम के बीच में ये मैच चल रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा निवेदन जल्द से जल्द सलामी बल्लेबाजों को जीत चुकी है भेजे। क्या निर्णय लिया है धनिया कोट ने जरा पता करते हैं। मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ। तो दोस्तों पहले धनिया कोट बैटिंग कर रही है, तो हमारे धनिया कोट के जितने भी खिलाड़ी हैं ये ऊपर मौजूद हैं, तो देखते हैं और क्या करते हैं अपने के लिए, अपनी टीम के लिए कितना योगदान देता है कौन कौन खिलाड़ी। तो बने रहिए और हमारे जैसा आप देख रहे हैं धनिया कोट के ओपनर संजय बल्लेबाज मैदान की ओर को जाते हुए। और नॉन स्ट्राइक पर कमल और पहली गेंद और खेल दिया और खेल दिया लेग की दिशा में। एक रन की मांग वहां पर दिवस की देवेस की हरी स्पीड से कमल के लिए और गुड लेंथ में एक गेंद और उतना अच्छा प्लेस किया इस गेंद को और एक रन जरूर अर्जित किया। राइट आर्म ओवर द विकेट और खेल दिया इस गेंद को कैच जाती हुई काफी तेज बाउंड्री से बाहर और कमल के लिए गेंद और उसी अंदाज में ये शॉट और खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते और आसानी से दो रन अर्जित किए। मुकाबले में एक बार फिर से अर्जुन चले अपने ओवर में अगली बार और खेल दिया उसी अंदाज में फील्डर उसके नीचे और एक आसान सा मौका और कैच ड्रॉप चार रन एक मौका जरूर था। कमल के लिए हल्की गेंद और उछाल जरूर था विकेट कीपर से दूर। एम्पायर अपनी बाजू में फैलाते हुए देवेस के लिए गया काफी अच्छी गेंद और उतना अच्छा सम्मान देवेस के द्वारा खेला जरूर और चार रन समय चार रनों के लिए सामना करेंगे। कमल के लिए गया और खेल दिया हवा में फील्डर उसके नीचे एक आसान सा मौका वहां पर और निश्चित ही लौटना ड्रॉप होते हुए देवेस के लिए ये गेंद और खेलना चाहते थे जरूर कुछ खासा संपर्क नहीं। एक लंबा सा रन अब सामना है देवेस और खेल दिया और फिर से अर्जुन सामना करेंगे कमल और खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर कोई चार रन फिर से अर्जुन सामना करेंगे कमल के लिए गेंद और खेल दिया उसे खिलाड़ी जब तक इसके तो फील्ड करते हैं दो बल्लेबाजों ने देवेस के लिए गेंद और काफी खेल दिया अच्छा प्लेसमेंट वहां पर देवेस के द्वारा बल्लेबाजों को और खेल दिया है बॉलर के ठीक पीछे फील्डर उसके नीचे और एक ही रन आसानी से एक रन लंबा सा रन अप सामना करेंगे देवेस और काफी खेल दिया है उतना ही अच्छा प्लेसमेंट दिया इस गेंद को और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के करीब चार रन और कैच एक आवाज जरूर बल्ले और बाउंड्री के करीब जाती हुई गेंद जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दो रन और ये जरूर गेंद मिस फील्ड हुए तक वो गेंद को कलेक्ट करते दोनों ही बल्लेबाजों ने और दो रन पूरे दो रन अर्जित किए और एक बार फिर से और ये घुमा दिया है गेंद को लेग की दिशा में जब तक दोनों ही फील्डर चार रन करते गेंद सीमा रेखा से बाहर तो गवाया टीम ने और कदमों का इस्तेमाल और खेल दिया बॉलर के ठीक पीछे चार रन के लिए छह रन सामना करेंगे कमल और खेल दिया है गेंद पर भी कोई खासा संपर्क नहीं बल्ले और गेंद कमल के लिए ये गेंद और खेल दिया उसे और खेल दिया है हवा में जरूर कैच उसके नीचे और निश्चित ही ये गेंद और खेल दिया और इसे खेल दिया है सीमा रेखा से बाहर छह रन के लिए लंबी गेंद के द्वारा और खेल दिया है इसे बहुत लंबा छक्का काफी दूर फिर से हिमांशु कमल के लिए और वही और ये फिर खेल दिया है इसे और नीचे खिलाड़ी मौजूद और एक कैच कमल क्या कुछ करते हैं इस गेंद पर खेल दिया और ये खेल दिया है हवा में सिक्स गगन चुंबी शॉट मैच का आनंद और ये खेल दिया है बेहतरीन शॉट सिक्स पूरा के और बल्ले का एज लेती हुई गेंद और आसानी से और खेल दिया उसे हवा में और नीचे से फील्डर उसके नीचे एक आसान सा मौका जरूर और गेंद जाती हुई सीमा के करीब के लिए गेंद खेल दिया हवा में और गेंद सीमा रेखा के करीब छह रनों से पार जाती हुई ये गेंद हरीश चले हरीश के लिए और खेलना जरूर चाहते थे कोई संपर्क नहीं
हरीश चले हरीश के लिए और एक बार फिर से हरीश सामने होंगे रजनीश और हवा में गेंद फील्डर उसके नीचे और सीमा रेखा से बाहर अंपायर का इशारा छह रन हाथ से लगकर गेंद बाउंड्री से बाहर गई और हिट जरूर किया मना किया वहां पर और फुल टॉस गेंद अंपायर का इशारा वाइड रजनीश ले गेंद खेल दिया उसे और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के करीब जब तक फील्डर्स गेंद को कलेक्ट करते भास्कर चले रजनीश के लिए और ये गेंद खेल दिया हवा में और फील्डर उसके नीचे आते हुए एक आसान सा कैच वहां पर जरूर रखा गया है अशोक भाई के द्वारा और सुंदर के द्वारा काफी सुंदर शॉट इस गेंद पर और गेंद उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा एक मौका जरूर अपने ओवर में और खेल दिया हवा में फील्डर उसके नीचे एक मौका जरूर और ड्रॉप किया वहां पर क्या कर रहे जो कोई भी इस मुकाबले में विजयी रहेगा और दोस्तों हिडाम को जीतने के लिए 113 रन चाहिए और जल्द से जल्द चुने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए क्या करते हैं हिडाम के बंदे वैसे बॉलिंग तो बड़ी काफी अच्छी की थी दोस्तों सेकंड इनिंग हिडाम के कप्तान से मेरा निवेदन जल्द से जल्द अपने प्रारंभिक होने वाली है तो मैं आपको दिखाते रहूंगा क्या है कैसा है तो बने रहिएगा वीडियो पे दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज को ठीक है ग्राउंड पर भेजें तो चलिए एक लंबा सा रन अब सामने ये पहली गेंद इसके लिए गेंद और काफी अच्छी गेंद अच्छा करते हुए हिडाम और यहां पर लेंथ की गेंद अभी भी खाता खोलना बाकी कदमों का समाज है और पेनल्टी से अपील बेहतरीन कीप इसका अभी भी खाता खोलना बाकी है तेरे चले और एक सामने होंगे मोनू के लिए गेंद और बेहतरीन गेंद और हिडाम की झोली में और खेलना शुरू करते हैं लेते हैं दीपक टीवीएस उसके नीचे कैच कैच पे बैठे थे और फुल टॉस गया अमित के बल्ले पे बैठ गए और एक रन की मांग वहां पर अमित की जोर खिलाड़ी जब तक इस फटकी में गया और ये खेल दिया है यह जरूर पकड़ा वहां पर देवेश ने काफी बेहतरीन छक्के बहुत कम देखने को मिल रहे हैं हिडाम की ओर से इस बल्लेबाज अभी तक तो कोई छक्का देखने को नहीं मिला अमित के लिए तो अभी देखते हैं क्या करते हैं और ये खेल दिया उसे फॉरमैन की दिशा में गया चार रन के लिए करीब और न जब तक दोनों फील्डर इस गेंद को कलेक्ट करते गेंद सीमा रेखा से बाहर चार देखने को मिला था जरूर और फिर से अंदाज में एक शॉट और खिलाड़ी के नीचे सामने है अमित के लिए गेंद और खेल दिया है फटमैन की दिशा में और काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सामने होंगे अमित के लिए गेंद खेलना जरूर चाहते थे गेंद टकराई पैरों पर और गुड लेंथ की और खेल दिया है काफी ऊंचा और सिक्स हम की ओर से ये पहला छक्का पड़ा है अभी में तो यही इनको शॉट दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर अदरवाइज तो बहुत टफ हो जाएगा और ये खेल दिया है और ये कैच ड्रॉप और खेल दिया है हवा में जरूर खिलाड़ी की पांव से दूर और इंदर चले हरीश और क्लीन बोर्ड और ये खेल दिया है मैं समझता हूँ चार रन होंगे यार ये चार रन और सीमा रेखा से बाहर चार रनों के फिर से उसी अंदाज में खेल दिया गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए और खेल दिया गांधी की तरफ जाती हुई गेंद कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं बेहतरीन प्रहार और चार रन गेंदबाजी पर हरीश और हवा में शॉट खिलाड़ी है थोड़े दूर जरूर और दूसरे की मांग जरूर वहां पर और एक चांस जरूर बन सकता था रन आउट का दिया जाएगा और बेहतरीन शॉट वहां पर गेंद सीमा रेखा के करीब जाती हुई और चार रनों के लिए फिर से हरीश चले और खेलना जरूर चाहते थे पटकी में गेंद खेल दिया उसे बाउंड्री लाइन की दिशा में और फील्डर की पहुंच से दूर जाती हुई पंकज के लिए गेंद पटकी में गेंद फिर से खेल दिया उसे बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद जाती हुई खिलाड़ी के पास और जब तक ये गेंद गैदर होती चार रन गेंद कृष्णा के लिए खेल दिया हवा में और फील्डर के नीचे एक आसान सा कैच मौका जरूर और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पास और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़े अर्जित करते हैं और खेल दिया हवा में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर छह रन के लिए छक्का और काफी अच्छा हिट गेंद पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के करीब फील्डर के द्वारा जब तक फील्ड होती गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए ये गेंद लॉन्ग लेंथ में और खेल दिया उसे ऑफ की दिशा में फील्डर उसके नीचे और गेंद उछाल लेती हुई सीमा रेखा से बाहर सामना करेंगे कृष्णा के लिए गेंद
और खेलना जरूर चाहते थे। पहले शॉट टकराई गेंद कीपर से दूर और आसानी से एक रन अर्जित किया। सामने होंगे पंकज, पंकज खेले गेंद खेल दिया उसे और खिलाड़ी उसके नीचे और उसे कैच ड्रॉप होता हुआ। दोस्तों हिडाम को जीतने के लिए 37 रन की जरूरत है मात्र 18 गेंदों पे, तो देखते हैं। बड़ा रोचक हो गया है गेम, तो अभी तक तो लग रहा था कि हिडाम कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हिडाम के जो बल्लेबाज हैं, जो इन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है, तो उससे लग रहा है कि ये मैच निकाल लेंगे। देखिए होता है क्या आगे, देखते रहिए। और खेल दिया सीमा का सारा 6 रन। अगर हिडाम की टीम अगर ऐसा ही खेलती है, यही अगर शॉट दिखाती है, तो हिडाम मैं समझता हूँ आराम से ये मैच निकाल लेगी। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। मात्र 31 रन दूर, ये 6 और सीमा रेखा से काफी दूर और एक लंबा छक्का 6 रनों के लिए। पंकज ने कैमरा बाद में ऑन हुआ लेकिन छक्का पड़ गया और एज लेते ही बल्ले का ये थर्डमैन के पास और जब तक खुल होती गेंद सीमा रेखा के पास जाती हुई दो रन लेने में कामयाब रहेंगे। फुल टॉस खेल काफी ऊंचा गगन चुंबी शॉट और सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। चार रन वो तो फिर से रखे गए अशोक भाई के द्वारा। ये सामने अशोक भाई हैं जिन्होंने अपनी टीम का और वही कृष्णा अगर जीत दिलाते अपनी टीम को 100 रुपए का इनाम रखा है जरूर दिया जाएगा अशोक भाई के द्वारा। काफी मनोहर अपने खिलाड़ियों का सुंदर कैचों पर भी इनाम दिया गया। खिलाड़ी भी उसी हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं दो खिलाड़ियों को काफी अच्छे उत्साह बना के रखा अपने छक्के देखने को मिल रहे हैं अपने गांव के इस टीम का। भाई द्वारा 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा पंकज को और वहीं कृष्णा अगर टीम को विजय दिलाते हैं 100 रुपए का इनाम रखा गया है अशोक भाई के द्वारा। एक बार फिर से इनामों की बरसात होते हुए हिडाम के झोली में और पकड़े थे विकेट कीपिंग में और देवे चले और काफी बेहतरीन प्रहार कृष्णा के बल्ले से और आउटफील्ड में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। तो दोस्तों धनियाकोट की ओर से काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली देवेश भाई की ओर से, तो देवेश भाई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इसमें। 7 बॉलों में 16 रन चाहिए जीतने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। ओ नो, 15 रन की जरूरत है। ये गेंद खेल दिया चाहते थे जरूर 4 पटक गए। 5 बॉलों में मात्र 12 रन की जरूरत है यानी कि 2 छक्के। अगर 2 छक्के अगर हिडाम मारता है अगर इसी प्रकार की गलती तो विजय होता है। देखते हैं क्या होता है। 5 बॉलें 12 रन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक बार फिर से इंदर अपने ओवर में अगली बार फटकी गेंद और ये 4 रन बाहर जाते हुए गेंद क्या परिवर्तन करता है अपनी गेंदबाजी में। 4 बॉलों में 8 रन चाहिए। काफी रोमांचित हो रहा है ये मुकाबला और ये फिर खेल दिया है 4 रन बोलो में 4 रन पंकज के लिए गेंद और खेल रहे हो जाते थे होम में गेंद और कीपर की पहुंच से दूर 2 गेंदें 3 रन और एक वाइड लाइन से बाहर अंदर का सारा वाइड बोलो में 2 रन चाहिए। मजा आ रहा है गेम में टीम है और ये गेंद खेल रहा है फील्डर से दूर जाती है और ये दूसरे की मांग जरूर और इसी के साथ हिडाम ने अपना ये नाम कर लिया है मुकाबला। तो हिडाम जीत चुकी है कृष्णा। तो दोस्तों आपने देखा होगा काफी कांटे का रहा बिल्कुल टक्कर का जिसे कहते हैं वो रहा है। तो धनियाकोट के खिलाड़ी भी काफी अच्छा खेले थे, काफी अच्छी बॉलिंग देवेश भाई की बॉलिंग, तो मैं क्या कहूँ देवेश भाई की बॉलिंग अपने आप पे एक सुपर बॉलिंग जिसे कहते हैं। देवेश भाई ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी तो यहाँ पर फिर भी ऐसा है लग तो ये रहा था कि हिडाम हार जाएगी करके, लेकिन हिडाम जीत जरूर दिलाए अपनी टीम को। ये हिडाम के हमारे समर्थक हैं तो ये है कि आप देख सकते हैं ये हमारे हिडाम के जीत चुके हैं। हारते हारते जीते हैं लेकिन जीत तो जीत है, कुछ कह सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितता का गेम है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। योगेश त्रिपाठी UK कमेंट सब्सक्राइब। दोस्तों हम चल चुके हैं कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अशोक भाई के द्वारा 2 मिनट एक शानदार कैच पकड़ने पर 50 रुपए का इनाम।
भाई, मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं। काफी अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को। 46 रन पर नॉट आउट, ये लगा लीजिए अपनी टीम को हारते हारते जिताया है और गेम चेंज किया। आप देख रहे होंगे ये भाई साहब हैं सामने, तो इनका जो योगदान रहा है अपने पूरी अपनी अपने खिलाड़ियों को ऐसा योगदान दिया है भाई ने, इनाम की बौछार लगा के भाई ने। और तो मैं भाई से यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गेम चेंजर इस मुकाबले से बाहर, ये हिडाम की टीम है जो क्वार्टर फाइनल में चली गई है। ये लीग क्वार्टर फाइनल फाइनल था, ये क्वार्टर फाइनल में चली गई है। तो मैं सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओके, बाय बाय।